नया बास स्थित एवरग्रीन पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में टीम हारेका सारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार को एवरग्रीन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सभापति नीलोफर गोरी, डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा, एडवोकेट बुद्धि प्रकाश प्रजापत, दिलीप मोयल, अशोक माटोलिया, पार्षद मधु बागरेचा, एडवोकेट सुरेश शर्मा, जगदीश चोयल, कमलनयन तोशनीवाल आदि ने श्याम स्वर्णकार को शॉल उड़ाया और माल्यार्पण किया तथा प्रतीक चिन्ह भेंट करके अभिनंदन किया। कार्यक्रम में संस्था निदेशक रतन सेन ने आयोजित की पृष्ठभूमि को रेखांकित किया। वहीं टीम हारे का सारा के दामोदर शर्मा लोडसर, कवि अरविंद विश्वेंद्रा, मुकेश सामरिया, शंकर सैनी, चंद्र प्रकाश सराफ, विशाखा स्वर्णकार आदि लोगों का भी सम्मान किया गया। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति दी गई। इससे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन करके हुआ। एवरग्रीन पब्लिक स्कूल सुजानगढ़ में प्रतिवर्ष सुजानगढ़ नगर में हम ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करते हैं, एक व्यक्ति को जिसने सामाजिक या साहित्यिक या किसी मानव सेवा या जन सेवा के लिए कोई काम किया हो, ऐसे व्यक्ति को हम प्रतिवर्ष सम्मानित करते हैं। 2021 का अवार्ड हमने श्री श्याम सुंदर जी स्वर्णकार को दिया है, जिन्होंने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया है और वो आज तक लंबे टाइम से समाज सेवा करते आ रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में नगर के सभापति नीलोफर जी गोरी एंड डॉक्टर घनश्याम नाथ जी कच्छावा और सुरेश जी शर्मा वकील साहब, बुद्धि प्रकाश जी प्रजापत वकील साहब और इसके साथ संयोजक सुमनेश शर्मा, इन सब ने मिलकर के बहुत अच्छा आयोजन किया और स्कूल के बच्चों द्वारा सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ दी गई। विद्युत निगम के दो कर्मचारियों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार होली दौरा स्थित समाज कल्याण छात्राओं के पास यह घटना हुई है, जिसके तहत दो कर्मचारी विद्युत बिल बकाया होने पर कनेक्शन कटने से पहले बिल भरने की जानकारी देने के लिए गए थे। मारपीट की घटना के बाद विद्युत निगम के कनिष्ठ अभियंता अरुण मीणा, कनिष्ठ अभियंता गौतम मेघवाल, कर्मचारी ओम प्रकाश प्रजापत, राजू सिंह शेखावत, सतीश चंद्र स्वामी, अनिल प्रभु गुडेला, मोतीलाल श्रीराम बावरी, आरिफ लीलगर, महावीर प्रसाद आदि मांडेता स्थित पुलिस थाने पर एकत्रित हुए और मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की। पीड़ित कर्मचारी बुराराम प्रजापत नौतन मेघवाल ने बताया कि बकाया विद्युत बिल भरने की सूचना देने के लिए 2300 ग्रुप के उपभोक्ताओं के पास हम लोग दिन में गए थे, जहां पर समाज कल्याण छात्रावास के पास मंगतू खान के नाम से स्थित कनेक्शन के संबंध में घर पर जानकारी दी, जिस पर जाकिर व अल्ताफ ने दोनों कर्मचारियों के साथ मारपीट की। वहीं पुलिस ने मौका मुआयना भी किया। दूसरी ओर इस मामले को लेकर तकनीकी सहायक बुराराम प्रजापत निवासी गांव गोपालपुरा की ओर से राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करवाते हुए पुलिस को बताया गया कि आरोपी अल्ताफ और जाकिर ने हम दोनों के साथ मारपीट की, जाति सूचक शब्द कहे और सरकारी काम में बाधा पहुँचाई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच शुरू कर रही है। दौरा के अंदर जो 2300 ग्रुप की जो बकाया लिस्ट थी उसमें गए थे और अकाउंट नंबर 2360 का 54 नंबर जो मंगतू राम जी के नाम से है, मंगतू खान के नाम से है और उसकी बकाया थी, उस लिस्ट में नाम था। हम वहाँ पे गए तो एक लेडीज़ थी, तो उनको हमने कह दिया कि भी आज ही बिल भरना है, आज नहीं है तो कल 11 बजे तक, शनिवार का 11 बजे तक आप बिल जमा करवा देना, अन्यथा कनेक्शन कट जाएगा। ये बात हमने उनको कही थी और उसके बाद कुछ समय बाद, आधा घंटे बाद लमसम एक व्यक्ति आया, उन्होंने मेरे साथ ही जो नॉर्थन है उस पर हाथापाई की और उनको गाली गलौज किया और उसके बाद उसको वो जाने के बाद फिर उसका बड़ा भाई आया और उसने गाड़ी से उतरते ही मेरे ऊपर हाथापाई की और गाली गलौज करने लगा। वो पुलिस में रिपोर्ट दी क्या? पुलिस में रिपोर्ट दी है, लिखित में दी है रिपोर्ट पुलिस में। क्या मांग है कर्मचारियों? कर्मचारियों की मांग तो मुकदमा दर्ज कराया जाए। गिरफ्तार किया जाए।